यदि आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हर शनिवार और रविवार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं सत्य घटना पर आधारित एक कहानी। जयपुर राज्य के घोड़ी नाम के गाँव में घाटम जी रहते थे और वे अपने गुरु के बड़े भक्त थे और उनके वचन पर अटल विश्वास करते थे। इसी कारण से उनको मोक्ष पद प्राप्त हुआ। बचपन में वे चोरी और ठगी करके अपना पेट पालते थे। एक बार कुछ ज्ञान उनके हृदय में पैदा हुआ और यह सोचने लगे कि यह शरीर नाशवान है, इससे कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए। चोरी और ठगी में ही यह सारी उम्र बीत रही है, अब कुछ देर भगवत भजन में मन लगाना चाहिए, नहीं तो पशु के समान यह शरीर यूं ही चला जाएगा। इस तरह का विचार करके एक भगवत भक्त के पास वे पहुंचे और अपनी मन की सारी बातें उनसे कही। वह बोले, तुम चोरी करना छोड़ दो, तब कुछ सत्संगति हो सकती है। घाटम जी बोले, महाराज, चोरी करने से तो मेरा जीवन निर्वाह होता है, इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। भगवत भक्त ने फिर उत्तर दिया कि भाई, यदि जीवन सफल करना चाहते हो तो चोरी करना तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बदले में मैं तुम्हें चार बातें बताता हूँ जिनसे तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। एक तो हमेशा सत्य बोलना, दूसरा साधु संतों की सेवा करना, तीसरा भगवान का पहले भोग लगाकर तब भोजन करना, चौथा भगवान की आरती में सदा जाना। इन चारों बातों को तुम कंठस्थ कर लो। घाटम जी ने यह सब बातें स्वीकार ली। तब उस हरि भक्त ने इनको मंत्र उपदेश देकर अपना शिष्य बना लिया। अब घाटम जी गुरु की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करने लगे। एक बार कुछ साधु उनके यहाँ आए, उस समय उनकी सेवा करने के लिए उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। पास ही में गेहूं का खलिहान था और वे वहीं गए और सबकी आंख बचाकर थोड़े से गेहूं लाकर उनसे साधुओं का सत्कार किया। लेकिन साधु सेवा करते करते मन में यह भय भी होता था कि कहीं अनाज के पहरेदार मुझे आकर पकड़ ना लें। उसी समय अंतर्यामी भगवान ने भक्त की लाज रखने के लिए बड़े जोर जोर से आंधी की वर्षा की। तब अनाज वाले क्या पता लगा सकते थे कि आंधी वर्षा में अनाज कहाँ उड़ गया। इस प्रकार अब घाटम जी ने चिंता मुक्त होकर साधु सेवा की। एक बार उनके गुरु ने भगवान का महोत्सव किया, उसमें घाटम जी को भी निमंत्रण दिया। उस समय घाटम जी के पास एक भी पैसा नहीं था, क्योंकि अपनी सारी पूंजी तो पहले ही साधु सेवा में खर्च कर चुके थे। अब वे बड़े चिंतित होते हुए राजमहल में पहुंचे। वहां पहरेदारों ने पूछा, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं। घाटम जी बोले कि भाई, यदि सत्य पूछते हो तो मैं चोर हूँ और मेरा नाम घाटम है। पहरेदारों ने सोचा कि कपड़े इसने राजसी पहन रखे हैं और यह अपने को चोर बतलाता है, इसलिए इन्हें कोई मस्खरा अमीर समझकर किसी ने नहीं रोका। इसके बाद वे घुड़साल में पहुंचे और वहां से एक बहुत उत्तम घोड़े पर सवार होकर गुरुजी के पास चले। घुड़साल के पहरेदार के पूछने पर भी सत्य हाल कह दिया, लेकिन उसने भी नहीं रोका। जब वे गुरुजी के पास जा रहे थे तो रास्ते में किसी मंदिर से झांझ शंख और मृदंग के बजने की आवाज सुनी। वहां ठाकुर जी की आरती हो रही थी। वे वहां गए और भगवान के दर्शन करके उनके भजन में मगन हो गए। इधर राजा को जब घोड़े के चुराए जाने का समाचार मिला तो उसने कोतवाल को तुरंत चोर का पता लगाकर पकड़ लाने की आज्ञा दी। कोतवाल घोड़े की तलाश करता हुआ मंदिर के पास पहुंचा और उसे यह निश्चय हो गया कि चोर घोड़ा सहित मंदिर में है। जब भक्त भयहारी दयामय भगवान ने देखा कि यह दुष्ट कोतवाल तो अब घाटम जी को पकड़कर ले जाएगा और तरह तरह के कष्ट देगा, तो भक्त की लाज रखने के लिए उस घोड़े का रंग सफेद कर दिया। घाटम जी जब घोड़े पर सवार होकर निकले तो कोतवाल बड़े ध्यान से घोड़े की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि और सब लक्षण तो इस घोड़े में मिलते हैं, केवल रंग नहीं मिलता। हाय, यदि घोड़े का पता न लगा तो ना मालूम राजा आज क्या दंड देगा, मेरा यह सब परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। घाटम जी ने कोतवाल को अत्यंत सोच में पड़े हुए देखकर पूछा कि भाई, तुम कौन हो और मुझे देखकर किस सोच में पड़ गए हो। कोतवाल ने सारा हाल कह सुनाया और कहा कि यदि घोड़े का पता ना लगा तो महाराज मुझे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। घाटम जी, जो कि भगवान के भक्त थे, और उन्हें यह सुनकर दया आ गई। वे बोले कि भाई, घोड़े का चोर मैं हूँ और यही घोड़ा है जिसे मैं चुरा कर ले आया हूँ, लेकिन भक्त वत्सल भगवान ने मेरी रक्षा के लिए इसका रंग सफेद कर दिया है, इसलिए आप चिंता ना करें, मैं स्वयं इस घोड़े को अपने साथ लेकर राजा के पास चलता हूँ, आपको कुछ भी दंड नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर वह सब लोग घोड़ा लेकर राजा के पास आए और कोतवाल ने राजा से सब हाल कह सुनाया। राजा भी भगवान के भक्त थे, इसलिए हरि भक्तों की महिमा को अच्छी तरह जानते थे। इस तरह के उत्तर को सुनकर तुरंत राजा गद्दी से उतर गए और घाटम जी के चरणों में गिर पड़े। अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे और बोले कि आप जो कुछ आज्ञा करें
वही आपकी सेवा में उपस्थित करूं। घाटम जी बोले कि मुझे इस घोड़े के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राजा ने घोड़े सहित और भी बहुत से द्रव्य भेंट किए। घाटम जी ने वह सब धन ले जाकर अपने गुरु को अर्पण कर दिया। धन्य है भगवान की ऐसी महिमा को। स्वयं भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य के कर्म कैसे भी खोटे हों, किंतु जो निरंतर मुझे भजता रहता है वह अवश्य ही मुझको प्राप्त होता है। क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों का सार और मूल अर्थ जब वह प्राणी पा गया, तब खोटे कर्म कैसे टिक सकते हैं, अर्थात मैं अवश्य मिल जाता हूँ। हे गांडीवधारी अर्जुन, मेरा यह वचन बिल्कुल सत्य जानकर मेरे सच्चे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे इसी तरह के रोचक वीडियो देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें।